हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विदिता और आप देख रहे हैं बॉलीवुड इनसाइडर। सबसे पहले बात करते हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र की। तो ये फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला था और अब अयान मुखर्जी ने इसके दूसरे भाग का अपडेट दिया है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। रणबीर और आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र को एक साल पूरा हो चुका है। बीते साल रिलीज इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वही फैंस अब फिल्म के दूसरे पार्ट के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं और अब ब्रह्मास्त्र के एक साल पूरे होने पर अयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को लेकर नया अपडेट दिया है। दरअसल निर्देशक अयान ने सोशल मीडिया पर फिल्म के पार्ट 2 का आर्टवर्क शेयर किया है। इस आर्टवर्क को देखकर साफ है कि आने वाले दोनों ही पार्ट काफी जबरदस्त होने वाले हैं। वही अयान मुखर्जी ने ये भी कहा है कि अभी फिल्म का डेवलपमेंट वर्क चल रहा है और जल्द ही वो फिल्म के साथ लौटेंगे। ब्रह्मास्त्र मूवी की बात करें तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर इस फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया था। साउथ स्टार प्रभास को हमने आदि पुरुष फिल्म में श्री राम के रूप में देखा और अब प्रभास भगवान शिव के रूप में नजर आएंगे। जरा देखिए ये रिपोर्ट। साउथ सुपरस्टार प्रभास हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष में नजर आए थे, जो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। वही इस बीच प्रभास को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो खबरें है कि फिल्म आदि पुरुष में भगवान श्री राम का किरदार निभाने के बाद अब प्रभास स्क्रीन पर भगवान शिव का किरदार निभाएंगे। इसके लिए प्रभास ने फिल्म साइन भी कर ली है। रिपोर्ट्स की माने तो तेलुगु फिल्म कन्नपा में अभिनेता इस रोल में नजर आएंगे। आपको बता दें, अपकमिंग फिल्म कन्नपा में प्रभास के अलावा कई बड़े सितारे नजर आएंगे। खबर ये भी है कि इस फिल्म में कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन फीमेल लीड के रोल में नजर आएंगी। वैसे क्या आप एक्साइटेड हो प्रभास को भगवान शिव के किरदार में देखने के लिए? आपकी राय हमें जरूर लिखिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। खबर ये थी कि सनी देओल ने गदर 2 के सक्सेस के बाद अपनी फीस बढ़ा दी है और अब इस पर सनी देओल ने खुद ने रिएक्शन दिया है एक इंटरव्यू में। जरा देखिए ये रिपोर्ट। सनी देओल की गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है। इसी बीच रिसेंटली अफवाह सामने आई थी कि सनी देओल ने अपनी फीस बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी है। वैसे गदर 2 के लिए सनी को 20 करोड़ की फीस लगभग मिली है। ऐसे में अब एक्टर ने अपने इंटरव्यू में इस पर अपना रिएक्शन दिया है। सनी देओल ने कहा, पैसे क्या लेना है ये तो प्रोड्यूसर डिसाइड करता है, वो जितना कमा पाएगा उस हिसाब से फीस देंगे। प्रोड्यूसर चाहे जितने पैसे दे, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे फिल्म करनी है तो मैं करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि कम फीस में मैं काम नहीं करूँगा। मैं इस तरीके से नहीं सोचता। मैं पैसों के चक्कर में किसी प्रोड्यूसर या प्रोजेक्ट पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की है। गदर 2 के सक्सेस ने वाकई कहर मचा दी है। फिल्म ओ माय गॉड 2 के बाद अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज काफी चर्चे में है और अब इस फिल्म से टीजर भी रिलीज हो गया है जो काफी दमदार है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म मिशन रानीगंज का वीरता से भरा टीजर सामने आ गया है। मिशन रानीगंज द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू 6 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है। ये फिल्म रानीगंज कोल्ड फिल्म में एक रियल लाइफ इंसिडेंट और जसवंत सिंह गिल पर बेस्ड है, जिन्होंने भारत के कोल्ड रेस्क्यू मिशन को लीड किया था। फिल्म में अक्षय कुमार ने जसवंत सिंह गिल का किरदार निभाया है। फिल्म का टीजर हिम्मत और कड़ी चुनौतियों से भरपूर है। ये फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघर में रिलीज होगी। वैसे क्या आपने इस फिल्म का टीजर देखा है? अगर देखा है तो आपको कैसा लगा? आपकी राय हमें जरूर लिखिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। अक्षय कुमार के जन्मदिन के खास मौके पर उन्होंने अपने फैंस को ट्रीट दी। जी हाँ, उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म वेलकम टू द जंगल का टीजर रिलीज किया जो काफी दमदार है। जरा आप भी देखिए ये रिपोर्ट। अक्षय कुमार ने रिसेंटली अपना 56वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। अपने जन्मदिन के मौके पर खिलाड़ी कुमार ने फैंस को ट्रीट दी है। जी हाँ, अपने बर्थडे पर अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म वेलकम टू द जंगल का मजेदार टीजर जारी कर दिया है। साथ ही फिल्म के रिलीज डेट और स्टार कास्ट का भी खुलासा किया है। वही वेलकम टू द जंगल का टीजर काफी मजेदार है। टीजर की शुरुआत जंगल से होती है। यह फिल्म की पूरी स्टार कास्ट आर्मी ड्रेस पहने हुए वेलकम 3 का टाइटल सॉन्ग गाती नजर आती है। ये कई तरह का मजेदार टीजर है। टीजर के साथ ही अक्षय ने फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है, जो अगले साल 20 दिसंबर 2024 को सिनेमाघर में रिलीज होगी। आपको बता दें, वेलकम टू द जंगल वेलकम की तीसरी फ्रेंचाइजी है। क्या आपने इस फिल्म का टीजर देखा है? अगर देखा है तो आपको कैसा लगा? आपकी राय में जरूर लिखिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड इनसाइडर में आज इतना ही। बॉलीवुड की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड इनसाइडर। ऑल्सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल नेशन नाउ। मुंबई से कैमरामैन कुणाल बांद्रे के साथ वेदिता प्रताप, नेशन नाउ।